पेशेंट्स बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हम ऐसी क्या कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस या अपने खान पान में चेंजेस जिसकी वजह से हम आईवीएफ में हमें जाना ही नहीं पड़े, हमारी फर्टिलिटी बढ़ जाए। जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके अंडे कम होते हैं या जिनके शुक्राणु कम होते हैं, उनको क्या छोटी छोटी चीज़ है जो हम उन्हें हिदायत दे सकते हैं। पहली चीज़, उनको टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जब इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है, 7 से 8 घंटे की जो स्लीप होती है वो भी लोगों को नसीब नहीं होती है, तो टाइम पे सोना सबसे ज़रूरी है कि आप रात को 9-10 बजे तक सो जाओ और फिर आप मॉर्निंग में उठो। बिकॉज आपके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आप रात को बहुत लेट नाइट जग रहे हो, सुबह लेट से उठ रहे हो, तो वो आपके बॉडी के लिए गुड नहीं होता है। बिकॉज रात के भी आपके जो हार्मोन सेक्रीट होने चाहिए, जो आपको स्ट्रेस लेवल आपके कम होते हैं, वो नहीं सेक्रीट हो पाते हैं। दूसरी चीज़ है, आपको एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री नहीं होगी। सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होगी अगर, तो आपकी बहुत सारी जो डिजीजेज है वो नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल आपकी सही हो, स्ट्रेस नहीं लो आप बिल्कुल। स्ट्रेस लेने से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जो कि धीरे धीरे अगर ब्लड ही नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली आपके जो अंडे हैं और यूट्रस हैं वो अच्छे कैसे होंगे, ये आप खुद सोचो। तीसरी चीज़ें ये, आजकल खान पान जो है सो बहुत लोगों की गड़बड़ हो गई है। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग खान पान पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ऑफिस चले गए सुबह सुबह उठ करके, वहाँ पे जो भी मिल गया खा लिया, कोई भी जंक फूड खा लिया, बगल में कोई शॉप है वहाँ से बर्गर खरीद लिया खा लिया, कोई सैंडविच खरीद लिया खा लिया। हर चीज़ की एक टाइम होती है खाने की। आप बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, बेशक खाओ, पर एक उसकी समय होती है। और किस तरह से आपका डाइट मेंटेन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए डाइट का, जिससे आप डाइट चार्ट उसके अकॉर्डिंग खा सको, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन सब अकॉर्डिंगली हो। आजकल के टाइम में अगर लेडीज बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लगी हैं तो उनको PCOD की प्रॉब्लम्स हो गई है, जो आपने अक्सर सुना होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ही रेगुलेटेड खाना बहुत ही ज़रूरी है।